नमस्कार, मैं हूं वर्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं SRV बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दतिया जिले में धारा 144 का असर, कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण देश 21 दिन तक लॉकडाउन। धारा 144 कानून की धारा 144 का उल्लंघन करने पर की गई दंडात्मक कार्रवाई, दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जहां हिंदुस्तान 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया, तो वहीं इसका असर देश के हर राज्य में देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लिया जा रहा, इसका सीधा सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दतिया जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। हर चौराहे, हर चेक पॉइंट पर पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे मुस्तैद हैं, जो सर्वप्रथम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। नहीं मानने पर वह अपने अंदाज में उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता है कि प्रशासन के नियमों को मानने का नाम नहीं ले रही। अब सोचना यह होगा कि जनता को रोकने की जिम्मेदारी क्या प्रशासन की है, क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन द्वारा पहले भी गाइडलाइन जारी की गई थी, लोगों को समझा दिया गया था कि लोग घरों से ना निकलें, ना ही निकलने दें। ज़रूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से निकलें। खाने पीने की चीज़ों से लेकर किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इसकी घोषणा पहले ही देश के प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी और प्रचार प्रसार करने के बाद भी क्या जनता घरों में रहती है, या फिर बाहर निकलकर भारतीय दंड विधान की धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन करती है।